गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज तारीख 6 दिन मंगलवार को हमारा मंगलवार के दिन जो हमारा टर्न रहता है वो हमारे अतीत का रहता है इतिहास सामाजिक विज्ञान में। तो इसमें हमारा लेसन चल रहा था नए प्रश्न नए विचार। तो इसमें हम आपको जैन धर्म के बारे में कुछ पढ़ा चुके थे, कुछ हमारा जो शेष बचा हुआ है वो हम आज आपको कंप्लीट करवाएंगे। ओके, तो इसमें हम पढ़ रहे थे, पहले ये देख लो जैन। जैन क्या है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। क्या है जिसका अर्थ? विजेता। तो इसमें है हमारा अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। क्या था मतलब, ये जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने कहा था कि मतलब अपना घर छोड़ दीजिए, घर मतलब पूरे वस्त्र वगैरह सब कुछ त्याग करके और सत्य का और अहिंसा का पालन कीजिए। तो मतलब ये था कि जो ये कड़े नियम थे तो इसे कुछ लोगों ने अपनाया और कुछ लोगों ने नहीं अपनाया, और कुछ लोगों ने घर पर ही रहकर जो भिक्खु और भिक्खुड़ी बने थे उन लोगों को भोजन प्रदान करके उनकी सहायता की। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकौड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। मतलब धीरे धीरे जो ये जैन धर्म का ये उत्तर भारत में फैल गया, उत्तर भारत में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक फैल गया और यह कई शताब्दियों तक चला। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभन नामक स्थान पर लिखी गई थी। कौन से स्थान पर? बल्लभी। 1500 साल पहले जो बल्लभी नामक स्थान है वहां पर ये लिखी गई थी। इसके बाद में जो हमारी अगली हेडिंग आती है वो है हमारी संघ। संघ क्या है? महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नाम संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री के लिए इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। किसके लिए? जो महावीर धर्म मतलब जैन धर्म को मानने वाले थे और जो अपना लिया था, और बुद्ध धर्म को। तो ये मतलब जब ये धर्म अपनाते थे तो इसके लिए अपने माता पिता और अगर दास है तो राजा से मतलब इन सबसे अनुमति लेकर के और बौद्ध भिक्खुओं के साथ में ये मतलब रह सकते थे। इसके बाद में है संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपने अधिकांश समय
ध्यान करने में बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में भी शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिक्खुड़ी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। मतलब कि जो आपने देखा होगा कि जो बाबा वगैरह जो अपने यहाँ पे दरवाजे पर मांगने आते हैं तो ये पहले भिक्षा के लिए आते थे, लेकिन अब तो सब कुछ चलने लगा है, मांगते हैं और जाकर के बेच देते हैं। आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। ओके, इसके आगे का हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके।